सेगांव पंचायत के समीप ग्राम कचनारवाड़ी में कड़कड़ाती ठंड के मौसम में जल संकट की आहट आने लगी है। वैसे तो दो हेडपंप है लेकिन एक बंद पड़ा हुआ है, दूसरे हेडपंप पर 80 घरों के 600 लोग आश्रित है। वहीं ग्राम में शासन द्वारा एक बोर भी करवाया गया है लेकिन उस बोर में 6 माह से अधिक समय बीतने के बाद भी मोटर नहीं डली है। वहीं ग्राम के भोले भाले ग्रामीणों ने मोटर और हेडपंप सुधराने के लिए पीएचई विभाग को कई बार मोबाइल लगाया लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है और जनप्रतिनिधियों के कानों में ना ही जू रेंग रही है। ग्राम के लोग मजदूरी छोड़कर सुबह से पानी की जुगत में घर से बर्तन लेकर निकलते हैं, तभी कहीं जाकर दोपहर तक लंबी लाइन के बाद पानी मिलता है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। क्या समस्या आ रही पानी की? हमारे यहाँ पानी की समस्या, बोर हुआ है वो भी 4 महीने से, इसमें मोटर डली नहीं है और 2 हेडपंप है उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। और जो भी अधिकारी आते हैं बोल जाते हैं कि तुम्हारे यहाँ का काम करवाएंगे जल्दी, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। और पानी की समस्या हमारे यहाँ हर साल की ऐसी चल रही है। हमारे यहाँ अधिकारी अधूरा छोड़ के चले गए, नल अभी नहीं फिटिंग हुई उसका भी अधूरा काम छोड़ के चले गए। कोई अधिकारी को आज सूचना दी थी हेडपंप के बारे में? हाँ दी थी। कोई अधिकारी आया चेक करने? नहीं आया। क्या नाम लिखते हो? ओम प्रकाश बड़ोले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।